हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर से हमारे रॉकेट गौरव चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स का एक्स वाई ग्रुप का फॉर्म जो कल ही आया है, तो इसे हम कैसे फिलअप करेंगे, कैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप कल ही सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम पर जाना है। गूगल क्रोम पर जाने के बाद एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका वेबसाइट का नाम है सरकारी, देखिए आ गया सरकारdigital.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सरकारdigital.com। इस पर हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे इस साइड, ये यहाँ पे लेटेस्ट जॉब के ऑप्शन में आपको जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप ऑनलाइन फॉर्म 2019 जो कल ही आया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इसके स्पेसिफिकेशन और टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं, जिसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स भर्ती वेशंस एक्स वाई ग्रुप आर्मी एंड रिक्वायरमेंट ऑनलाइन 2019। इसका जो शॉर्ट डिटेल्स नोटिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट डिटेल्स का जो है नोटिफिकेशन आई चोर, इसका जो नोटिफिकेशन 3/12/2018 का है, अप्लीकेशन 2/1/2019, और लास्ट डेट इसका अप्लाई का जो है 21/1/2019 को है। इसका एग्ज़ाम हेल्ड जो होगा 14-17 मार्च होंगे, और एडमिट कार्ड मार्च में अवेलेबल कर दिए जाएंगे। इसका जो एप्लीकेशन फ़ी जो कितने लगेंगे ये आपको मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ी जनरल और ओबीसी के लिए 250 रुपये, और SC ST के लिए 250 रुपये। और अगर आप इसे किस चीज़ से पे कर सकते हैं, तो आप इसे पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और आप इसे एक्सिस बैंक के थ्रू कर सकते हैं। इसका फिजिकल एलिजिबिलिटी में आपको यहाँ पर देख सकते हैं, हाइट जो आपका मांगा जाएगा 152.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो होगा मिनिमम एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर होगा, और मिनिमम वेट जो आपका होना चाहिए 55 kg होना चाहिए। इसका आपका एज कितना होना चाहिए, तो एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप बोथ एग्जाम कैंडिडेट एज बिटवीन 1/1/1999 इसके बाद यहाँ पे फोर मोर डिटेल्स के लिए रेडी टू नोटिफिकेशन, जब कोई और डिटेल्स आएगा तो यहाँ पर दे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी में एक्स ग्रुप का जो टेक्निकल का, उसमें क्या सब आपको मांगे जाएंगे ये देख सकते, 10+2 एग्जाम पास आउट होना चाहिए आपको। इसके बाद मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। इंग्लिश में आपको 50%, इस तीनों सब्जेक्ट में 50% मार्क होना चाहिए। इसके बाद आपको और पास आउट 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, आपको 3 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो भी पास होना चाहिए 50% मार्क्स से। इसके बाद वाई ग्रुप जो है उसमें आपको 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास आउट 50% मार्क, इंग्लिश 50% मार्क्स, इसमें भी वही है। और दूसरा जो इसमें दिया गया, और 2 ईयर वोकेशन कोर्स विथ 50% मार्क्स फॉर मोर डिटेल्स सी नोटिफिकेशन, उसको डिटेल्स हो गया तो इसके बाद यहाँ पे कर दिया जाएगा। सर, लास्ट में जो आपको मिल जाएगा है अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म करना है, यहाँ पे क्लिक हेयर करना है। क्लिक हेयर करने के बाद आप यहाँ से उसके वेबसाइट पे ये देख सकते हैं, IAF सेंट्रल ARM सिलेक्शन बोर्ड के वेबसाइट पे चले जाइएगा। यहाँ पे पहले हमें साइन इन का ऑप्शन दिखा रहा है, तो आप न्यू है तो आपको यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट के नेम पूछे जाएंगे, जो आपके 10th मार्कशीट में नेम है वो देना है आपको। इसके बाद आपके पेरेंट्स का नाम देना होगा, जो आपके 10th मार्कशीट में नाम है माता पिता का वो देना है यहाँ पे। इसके बाद आपका ईमेल आईडी आपको डालना है यहाँ पर। इसके बाद नेशनलिटी आप इंडिया डालना है यहाँ पे। इसका जेंडर में आपको मेल या फीमेल जो है आप डाल सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है वो देना है 10 डिजिट का। इसका सीक्रेट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो अगर आप बाद में पासवर्ड अपना इस आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहां से सीक्रेट क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे यहां पे देख सकते हैं, व्हाट इज़ योर बर्थ प्लेस, व्हाट इज़ योर हाई स्कूल नेम, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, व्हाट इज योर मदर मैडन नेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट। यहां पे आप 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहां पे आपको इंटर उस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद आपको कैप्चा डाल के और यहाँ से साइन अप हो जाना है। साइन अप हो जाने के बाद आपका, साइन अप होने के बाद आपको वहाँ पे पासवर्ड कंफर्म करने का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ से आप पासवर्ड कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे साइन आने के बाद ईमेल आईडी पासवर्ड देख के और कैप्चा डाल के आप यहाँ से साइन हो सकते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कैसे हमें न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद अगला वीडियो जो मेरा आएगा उसमें आपको पूरे फॉर्म फिलअप कैसे करें किए जाएंगे, तो वो हम आपको उस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब।